लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसका वरना बेस्ट तरीका क्या है ना, इंडेक्स में पैसे डाल दो। इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है, ETF। बट इसमें बड़े डाउट्स हैं यार, ETF बेस्ट कौन सा है, ETF म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंस क्या है, उनमें से आपके लिए बेटर कौन सा है, और इंडेक्स एग्जैक्टली होता क्या है। वेल, आज ये सारे डाउट सॉल्व होने वाले हैं, शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I am an investor trainer and mentor in stock markets. और आज क्या बात करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और बेस्ट ETF कौन सा है। अब जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचते हो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट माइट पॉप इन योर माइंड? यू माइट से, हर्ष ठीक है ना, मैं कोई बहुत अच्छी कंपनी लूंगा और उस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता रहूंगा। बट उसमें एक रिस्क है, क्या पता वो बहुत अच्छी कंपनी जो आज बहुत बड़ी है कल को बंद हो जाए। और ऐसा बहुत हो चुका है, एक टाइम पे नोकिया वॉज द लार्जेस्ट, एक टाइम पे कोडैक वॉज द लार्जेस्ट, बंद हो गए ना, तो कोई भी कंपनी बंद हो सकती है। इससे बेटर फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको पता है क्या है, जिसमें आपका टाइम बहुत कम लगेगा, आपको कम नॉलेज चाहिए, आपको कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा टू रिसर्च द स्टॉक, वो है इन्वेस्ट इन इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, देश के टॉप स्टॉक्स। आप इंडेक्स में पैसे डालोगे तो जो आपका रिटर्न टू रिस्क का रेशियो होगा ना, बेस्ट प्रपोर्शन में होगा फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। बहुत एनालिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्यों? इंडेक्स में पैसे डाल दोगे, अगर एक दो बड़ी बड़ी कंपनीज फेल भी हो गई, जो हो सकती हैं, मेजॉरिटी का प्रॉफिट में रहोगे, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स, विच इज़ द सेफेस्ट। अब दूसरा आता है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करें? अब अगर सेंसेक्स 30 है तो इसमें टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड है, तो क्या सारी 30 कंपनीज खरीदें इन दैट एग्जैक्ट सेम प्रपोर्शन जो सेंसेक्स में है? नहीं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आते हैं ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये होता क्या, सेंसेक्स बहुत बड़ा बास्केट है, ETF उसी चीज़ का एक छोटा बास्केट है। तो अगर सेंसेक्स में 30 शेयर हैं तो कुछ कुछ शेयर, सारे शेयर खरीद के वो एक छोटा बास्केट बनाएंगे ऑफ ETF, और वो हम सब ले सकते हैं। तो आप देखोगे टेक्निकली वो छोटा बास्केट क्या है, वो इंडेक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने पैसे ETF में डाले तो इसका मतलब आप इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। बट गोयला, मैंने सुना था इंडेक्स फंड्स की म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, अब तो ये ETF भी बोल रहा है, क्या मुझे थोड़ा समझाएगा एक बार? अब ये कन्फ्यूजन ना बहुत लेजिटिमेट है। Why? Because म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं इंडेक्स फंड्स, और एक ETF भी होता है। बेटर कौन सा है, और मोर इम्पोर्टेंटली इनमें डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है ट्रेडिंग स्टाइल। अब जब आप शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदते हो तो आप देखोगे ट्रेडिंग आवर्स में शेयर की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, आप बिड डालोगे और आप शेयर खरीद लोगे। ETF उसी तरह खरीदते हैं दोस्त, उसको आप शेयर की तरह ही खरीदते हो, शेयर की तरह ही बेचते हो इन द मार्केट आवर्स इटसेल्फ। जबकि इंडेक्स फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनको आप तब खरीदते हो जब मार्केट्स एंड हो जाता है, तो इनकी जो पब्लिश प्राइस होती है उस प्राइस में यू बाय दोस म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है। सेकंड डिफरेंस इन्वेस्टमेंट अमाउंट का होता है। अब ETF अगेन शेयर की तरह, तो अगर एक ETF की प्राइस 40 रुपये, तो क्या आप 30 रुपये में डाल सकते हो पैसे, 10 रुपये डाल पाओगे? नहीं, आपको 40 रुपये मिनिमम तो खरीदने ही पड़ेंगे, और जितने भी आप शेयर खरीदोगे वो 40 रुपये के मल्टीपल्स में ही होंगे। जबकि इंडेक्स फंड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इंडेक्स फंड में आप कोई भी अमाउंट डाल सकते हो, ठीक है। एक चीज़ इंडेक्स फंड्स में होती है कि कुछ इंडेक्स फंड्स में मिनिमम आपकी SIP महीने की 100 रुपये की होती है, कुछ में मिनिमम 500 रुपये की होती है, बस मिनिमम का ही डिफरेंस है। अदरवाइज ETF में आपको उसकी प्राइस और मल्टीपल्स में ही देने पड़ेंगे, इंडेक्स फंड्स में आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड डिफरेंस आता है एक्सपेंस रेशियो। अब जब भी आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो कोई बड़ी AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनका तो देखो यार खर्चा जा रहा है ना टू मैनेज दैट ETF और इंडेक्स फंड या कुछ भी, तो एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेंगे ही करेंगे। और जितना एक्सपेंस रेशियो कम हो उतना ही बेटर है, हम तो देखो हिंदुस्तानी, हर चीज़ सबसे सस्ते में चाहिए हमें, ठीक है। अब ETF का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा कम होता है कंपेयर टू अ इंडेक्स फंड। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, SGFC निफ्टी 50 ETF, ये ETF है, इसका एक्सपेंस रेशियो है जस्ट 0.05%, जबकि इसके एग्जैक्ट राइवल का विच इज SGFC निफ्टी इंडेक्स प्लान, इंडेक्स फंड है, दोनों सेम कंपनी है, दोनों सेम AMCs के हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.40। तो आप देख रहे हो सीधा 700% ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है आपको इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो फोर्थ पॉइंट है, वो है ट्रैकिंग एरर का। अब हमने पैसे कहाँ डाले हैं, इंडेक्स में, दैट इज वेयर वी वांट टू इन्वेस्ट, हम किसके थ्रू कर रहे हैं, ETF या इंडेक्स फंड के थ्रू, ठीक है। तो ट्रैकिंग एरर एज इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इंडेक्स और हमारी इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस जितना कम हो उतना बेटर है, तभी तो हम इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रैकिंग एरर द मिनिमम पॉसिबल। और ये ट्रैकिंग एरर ना ETF में मच लोअर होता है कंपेयर टू अ इंडेक्स म्यूचुअल फंड,
ऐसा क्यों? बिकॉज एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो होता है ना, उसको कुछ पैसा कैश में रखना पड़ता है, कोई विड्रॉ कर ले, कोई कुछ कर ले, रखना पड़ता है. बट जो ETF के AMC होते हैं, उनके पास ऐसी भाई कोई भी ऑब्लिगेशन होती ही नहीं है. तो ट्रैकिंग एरर मिनिमम ETF में रहता है. सो इफ यू सी ऑल द डिफरेंसेस ना, मेजरली आप यही देखोगे, ETF वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. चल भाई ठीक है, मैं ETF खरीद लूंगा. अब ETF तो बहुत सारे हैं, बेस्ट कौन सा है? अब अच्छा ETF डिसाइड करने के लिए आपको तीन फैक्टर दिमाग में लेने पड़ेंगे. सबसे पहला आता है एक्सपेंस रेशियो, जो मैंने आपको बताया, जितना कम हो उतना बेटर है. सेकेंड आता है ट्रैकिंग एरर, अगेन जितना ट्रैकिंग एरर कम हो उतना ही बेटर है. एंड थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है लिक्विडिटी. वाई? बिकॉज मैं मान रहा हूँ कि ETF में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे, और चांसेस ये कि हर महीने कुछ डाल दोगे या कुछ कुछ बड़ा अमाउंट डाल दोगे या कुछ करोगे, तो आपके पास जब बेचने पे आओगे ETF, आपके पास बहुत सारी क्वांटिटी होगी. और अगर उस ETF में ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड नहीं की जा रही, उसकी लिक्विडिटी बहुत कम है ना, आपको बेचने में दिक्कत आएगी. सो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए. अब मैं आपको पूरी टेबल दिखा रहा हूँ. सबसे पहले आता है SGFC सेंसेक्स ETF, ठीक है? इसका ट्रैकिंग एरर इज 0.10%, इट्स गुड. एक्सपेंस रेशियो जो पहले बताया था 0.05%, इट्स गुड. AUM जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है इज ओनली 154 करोड़, तो ये थोड़ा कम है डेफिनेटली. अब उसके बाद देखता हूं मैं SBI ETF सेंसेक्स, इसका ट्रैकिंग एरर है 0.32%, जो ज्यादा है, इतना आइडियली ज्यादा नहीं होना चाहिए. इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.07%. AUM है ऑफ 67,766 करोड़, तो इट्स गुड. बट आप देख लो, कुछ ना कुछ इशू होगा. उसके बाद है निपॉन इंडिया निफ्टी 20 ETF, इसका एक ट्रैकिंग एरर है 0.18, इट्स गुड. एक्सपेंस रेशियो है 0.05%, इट्स गुड. AUM है 8,465 करोड़, विच इज गुड. तो आप देखोगे हर एंगल से ना, ये काफी डिसेंट है और अच्छा भी है. इसके बाद है UTI सेंसेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसका ट्रैकिंग एरर है 0.31%, अगेन थोड़ा ज्यादा है. एक्सपेंस रेशियो 0.07%, सो ओके. AUM इनका है 21,321 करोड़, गुड. एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, वन इट्स गुड. उसके बाद है मोतीलाल ओसवाल नैसडैक 100 ETF. यस, आप सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स में नहीं, नैसडैक का भी ETF है जो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो. इसका ट्रैकिंग एरर है 0.10, विच इज ब्रिलियंट. एक्सपेंस रेशियो देखो यार, इसका हाई होगा ही होगा, बिकॉज ये नैसडैक में इन्वेस्ट करें तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, विच इज 0.58%. और इनका AUM है 5,470%. सो आपको पूरी टेबल देख रही है ना, आई वुड से आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, निपॉन इंडिया निफ्टी 50 बीज ETF इज द बेस्ट ऑप्शन. बट अगेन ये बहुत क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैं. मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा, लॉन्ग टर्म जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, सिर्फ एक ETF में मत करना, ये 4-5 ETF में करते रहना, जब सो दैट आप कल को बेचने जाओगे बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी तो आपको बेचने में आसानी होगी. आई नो इतना फर्क पड़ता नहीं है, बट ये एक प्रिकॉशन मैं खुद के लेता हूँ और आपको भी मैं यही एडवाइस करने वाला हूँ. वेल गाइज, दैट इज इट फॉर टुडे. और वीडियो जरूर सब्सक्राइब करना यार, मेहनत बहुत कर रहे हैं. दिस इज विजडम, वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.